गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ जोरहाट बुद्ध विहार प्रांगण में, क्योंकि आज बुद्धिस्ट धर्मावलंबी लोगों के सबसे बड़े महोत्सवों में से एक कठिन चिवर दान उत्सव था। तो इस कठिन चिवर दान उत्सव में क्या करते हैं और क्यों मनाया जाता है, यही लेके मैं एक छोटे से वीडियो में बनाई हूँ। फ्रेंड्स, मान्यता ये है कि जब गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे कई सालों के लिए, तब उनका जो वस्त्र था वो फट गया था। तो तभी क्या किया उन जो वहाँ का गांव का लोग था, उन्होंने एक ही रात में जो वस्त्र को बुना और बुन के गौतम बुद्ध को ऑफर किया था। तो तभी से ये महोत्सव मनाया जाता है। और मान्यता ये भी है कि आप लोग जो मन से दान करेंगे, कोई भी चीज़ हो, जैसे एक सुई हो या कोई भी चीज़ हो, आप लोग दान करेंगे तो आपको इसका फल अगले जन्म में या इस जन्म में मिलता है। तो यही मान के हम लोगों ने ये उत्सव मनाया। आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो और पसंद लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस कठिन चिवर दान उत्सव को बड़े ही धूमधामों से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इतना ज़्यादा बड़ा करके नहीं मनाया है। तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये है कल्पतरु। यहाँ पे आप लोग जो भी मनोकामना से बांधेंगे वही फल पाएंगे। देखिए, आओ आओ आ जाओ।
ये हम लोग अभी घर चलते हैं, पूजा वूजा सब खत्म हो गया, अभी हम लोग घर पे जाएंगे। इतना ज़्यादा धूप है कि आँखें नहीं खोल पा रहे हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं घर को। तो अभी बाय बाय। रोड पे पूरा गाड़ी आ रहे हैं अभी, तो हम लोग चलिए पहले दुकान से कुछ खरीद लेते हैं। कुछ खाया भी नहीं हम लोग, खा लेंगे। ये लोग घुसे हैं दुकान को, दुकान में क्या खरीदेंगे पता नहीं। किलो भी है, किलो भी आ, अभी पहुंच चुके हैं। बाप रे बाप, इतना ज्यादा गर्मी। ओह देखो कैसे फूल गिरा हुआ है। ओह माय गॉड, अभी शांति मिल रहा है। यहाँ पे आके पहुंचे हैं मम्मी के यहाँ पे, आके उस इतना गर्मी था कैसा लग रहा है ना। तो अभी आके पहुंचे हैं। तो पहले देखिए मैं गेट को बंद कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है बोलो फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।